तो ये जो रील देगी ये काफी ज्यादा वायरल होगी रील, और ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और इसके जो व्यू है वो भी काफी शानदार, मिलियन के अंदर इसके व्यू चले गए हैं। तो ये रील आप बना सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को पूरा देखना, इसको देखने के बाद में ये रील आपके लिए बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए होगा VN एप्लीकेशन। सो बेसिकली आपको क्या करना है, VN एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है, और चले जाने के बाद में प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। और इस पे क्लिक करने के बाद में मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं, और वो वीडियो है वो डाउनलोड कर लेना होगा। सो बेसिकली उस वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाने के बाद में आपको बेसिकली करना क्या है, अब यहां से आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपको जहां से ये पंच लगा रहा है इसको थोड़ा सा आपको इस साइज को बढ़ा लेना है, और इसके बाद में यहां से जहां पे ये फोटो आ रही है बेसिकली वहां से आपको ट्रिम कर देना होगा। सो यहां से आपको इसको स्प्लिट कर देंगे। इसी प्रकार जितने भी जो आपके इफेक्ट यहां पे चेंज हो रहे हैं मैं आपको काफ़ी इजी बता रहा हूं, तो इसी तरह आपको करना है, और यहां से इसको इस प्रकार स्प्लिट कर लेना है। इस प्रकार आपको जितने भी वो आपकी फ़ोटो यहां पे ट्रांजेक्शन जितने भी आ रहे हैं आपको वहाँ से ट्रिम कर लेने होंगे। तो मैं यहाँ से फटाक से वो कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां से सभी को स्प्लिट कर दिया है। अब आपको बेसिकली आगे क्या करना होगा, यहां से आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहां पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आपको यहां पे कुछ वीडियो मिल रहा है लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है, लेकिन आपके पास फोटोज़ होगी अपनी, आपको यहां पे फोटो को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे फोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो यहाँ से कोई सी भी आपको फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो इस प्रकार ये फ़ोटो आ गई, और यहाँ पे जितनी भी ये आपको मिल रही है आपको रिप्लेस पे जाना है, और जितनी भी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे डाल लेनी होगी। सो मैं यहाँ से सारी की सारी फ़ोटोज़ डाल लेता हूँ। फोटो सारी की सारी डालने के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक इफेक्ट डालना पड़ेगा, इससे ये आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो बेसिकली आपको फर्स्ट वाले के अंदर इफेक्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो सेकंड वाइट एंड ब्लैक वाला मिलता है, वाइट वाला बेसिकली इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो सेकेंड्स है वो आपको 15 सेकेंड कर देनी है, और यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना होगा। फिर जो सेकेंड फोटो आती है इस पर बेसिकली आपको क्या करना है, इफेक्ट पर जाना है, वाइट वाला लेना है, और यहाँ पर 15 सेकेंड करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरह आपको ये ले लेनी है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे दो पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं डालना है। और उसके बाद में जो इफेक्ट आ रहा है इसमें आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इफेक्ट वाले पे जाना है, और आपको यहाँ से जूम इन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना होगा। आगे की जितनी भी फोटो है उसको जूम इन के अंदर कर देना होगा। जैसे आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, जूम इन पर क्लिक करना है, और यहाँ से राइट कर देना होगा। इस प्रकार पूरा का पूरा यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका म्यूजिक है वो सारा का सारा म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद में साउंड को म्यूट करने के बाद में आपको म्यूजिक वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना, और यहाँ से जो वीडियो है उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे पीछे MP3 लिख के ओके पे क्लिक कर देना, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे इसके बाद में ये आपका म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा ऑडियो के अंदर। फिर यहाँ से इस ऑडियो को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सेट कर देंगे। अब फाइनली हमारा ये वीडियो तैयार हो गया, इसको आप रन करा के देख सकते हैं कुछ इस तरह। सो इस तरह आप इस वीडियो क्रिएट करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको 1080p पिक्सल पर रखना है, और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेना होगा। सो इस तरह इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, और इसको इंस्टाग्राम रील पे डाल सकते हैं। ये वीडियो डेफिनेटली आपका व्यू अच्छे आएंगे, और इसके अंदर लाइक भी अच्छे आएंगे, ये आपके वायरल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम अभी तक रील बनी है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।